आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस के लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री नाटक करते हैं। आप बताओ, कन्याओं का पूजन और बहन का सम्मान नाटक नौटंकी है क्या? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कन्याओं का पूजन और बहन का सम्मान नाटक नौटंकी है क्या? कांग्रेस के लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं मेरा, ये हमारे हृदय का भाव है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग बहनों के बारे में क्या विचार रखते हैं? कांग्रेस का जिनसे गठबंधन है, नीतीश कुमार विधानसभा में मेरी बहनों के बारे में कितनी बेहुदा टिप्पणी की, अमर्यादित अश्लील, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तक कांग्रेस ने नीतीश की टिप्पणियों का विरोध नहीं किया। ऐसा कोई व्यक्ति जो माँ बहन और बेटियों के बारे में अमर्यादित टिप्पणियां करे, उसको मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। ये वो धरती है जहां एक द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था और एक वंश का विनाश कर दिया गया था। मैं बेटियों की पूजा करता हूं, मैं बहनों के पैर धोता हूं। कांग्रेस के लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह कहते मुख्यमंत्री नाटक करता है। आप बताओ, कन्याओं का पूजन और बहन का सम्मान नाटक है क्या? जरा जोर से बताए, नाटक है क्या? ये हमारे हृदय का भाव है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग बहनों के बारे में क्या विचार रखते हैं? ये कांग्रेस का जिनसे गठबंधन है, नीतीश कुमार विधानसभा में मेरी बहनों के बारे में कितनी टिप्पणियां की, अमर्यादित अश्लील, आप कल्पना नहीं कर सकते। और आज तक कांग्रेस ने नीतीश की टिप्पणियों का विरोध नहीं किया। ऐसा कोई व्यक्ति जो माँ बहन और बेटियों के बारे में अमर्यादित टिप्पणियां करे, उसको मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है किसी भी कीमत पर। अरे ये धरती है जहाँ एक द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था और एक वंश का विनाश कर दिया गया था। तो हमारी से माता बहनों का अपमान कर रहे हैं। मेरे लिए मेरी बहन देविया है। अच्छी है ना, फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।